अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं पूर्वी का नाम क्यों नहीं ले सकता भाई? हैं? क्यों ना लूं? अरे उसका होने वाला पति हूं मैं। और आपको तो पता है अपने इंडिया का कल्चर है, देखो पत्नी पति का नाम नहीं ले सकती, पर पति तो पत्नी का नाम ले सकता है ना पूर्वी? देखो पूर्वी हाँ भी बोल रही है। पूर्वी अभी ऐसे ही रहना है? ऐसे सुनिए इसकी बकवास, ये जो कह रहा है, जो हरकतें कर रहा है, ये सब सही नहीं है। तुम्हें अपने लिए कब लड़ोगी तुम? अपनों के लिए, अपने परिवार की इज्जत के लिए बात नहीं कर रहा हूं मैं तुम्हारे लिए बात कर रहा हूं। तुम लड़ोगी या नहीं? ओए समाज के सेवक, क्या प्रॉब्लम क्या तेरी भाई है? अबे यार होने वाले पति पत्नी है, क्यों रिश्ता तुड़वाने पर तुला हुआ है? तू जाना काम करना अपना। शट अप, जस्ट शट अप। कहा ना मैंने पूरी का नाम मत लेना अपनी जबान से। मेरी पूर्वी एक नेक दिल, मासूम और भोली लड़की है, पर मत भूलना कि मेरा खून है। अपने प्यार जाए ना तो शेरनी बन जाती है, इसीलिए इसे मजबूर मत करना। ये अभी चुप है क्योंकि ये तमाशा नहीं बनाना चाहती, नहीं चाहती कि चार लोग गलत समझे, बातें करें और लोगों को पता भी चलेगा तो क्या गलत है? हमने कुछ गलत थोड़ी ना किया है ना पूर्वी? हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना? पूर्वी तुम अब भी कुछ नहीं कहोगी? इससे बड़ी चोट और क्या हो सकती है? प्लीज पूर्वी खुद के लिए लड़ो, अपने डर से लड़ो, इस घटिया इंसान इस जज्बी से। तो कितने भी कोशिश करें वो नहीं लड़ेगी भाई, वो प्यार करती है मुझसे। उसके दिल में सिर्फ एक ही नाम है और वो है जसवीर। पूर्वी का दिल कैसा है वो तुम जैसा गंदा और घटिया इंसान नहीं जान सकता। माँ ने कहा था कि गंदगी को दूर करो या तो गंदगी से दूर रहो। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की तुमसे दूर रहने के लिए। तुम एक बार, दो बार, कितने मौके दो तुम्हें दूर रहने के? मैं चुप रही, मेरा परिवार चुप रहा, इसलिए नहीं क्योंकि हम कमजोर हैं, लेकिन हम अच्छे लोग हैं और ये हमारी कमजोरी नहीं है, हमारी ताकत है। लेकिन तुम अपनी हदें पार करते रहे और तुम अब हमें मजबूर कर रहे हो कि हम अपनी हद ही पार करें। तो तुम once for all ही समझ लो कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। तुम्हें पता मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ? कि तुम एक नंबर के गंदे और घटिया इंसान हो, तुम एक नंबर के बेवकूफ इंसान हो जिसका दिमाग नहीं चलता है, तुम एक नंबर के घमंडी इंसान हो जिसका कोई तमीज नहीं है, जो इतने थप्पड़ मारने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करती हूँ। अरे अच्छा लगना तो दूर, तुम जैसा इंसान मेरे लिए एग्जिस्ट भी नहीं करता। तुम समझ लो तुम कुछ नहीं हो मेरे लिए, कभी कुछ बन भी नहीं सकते। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।